पाकिस्तानी सेना द्वारा शनिवार को अचानक किरनी कस्बा में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में अचानक गोलीबारी की, जिसकी चपेट में नियंत्रण रेखा के नजदीकी दर्जन भर गांव आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को सुबह पहले किरनी कस्बा सेक्टर में रिहायशी इलाकों में अचानक छोटे हथियारों के अलावा मोर्टार शेल दगने शुरू कर दिए। गोलाबारी की चपेट में आने से नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव दलान में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनके अलावा नियंत्रण रेखा के नजदीकी इलाकों में कई कच्चे मकानों को भी पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई गोलाबारी से नुकसान पहुंचा है। वही इलाके में कई मवेशी भी मारे गए। गोलाबारी इतनी भयंकर थी जिसकी आवाजें नियंत्रण रेखा से कई किलोमीटर दूर पूंछ मुख्यालय तक पहुंच रही थी। आइए देखते हैं पूंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। कर दिन जनाब ये कम से कम जनाब ये 8-9 बजे के करीब हुई है, शुरू हुई है। देखो ये आप आए हैं, आपने मौका देखा है, आप देख सकते हैं मकान का कितना नुकसान हुआ है। अभी मसा नया मजदूरी करके बच्चों ने बनवाया था, अब ये भी ख़त्म हो गया है और हमारे 4-5 मकान जो है तमाम उनका नुकसान हुआ है और हमारा माल मवेशी भी ख़त्म नुकसान हुआ है जनाब। कुछ नहीं दिया हमारे दलान गांव, ये दिगवार पंचायत एरिया दलान का है, एरिया दलान का बहुत बड़ा एरिया है, वो बड़ी आबादी है इसमें। और आगे जहां बैंकर दिए हैं आगे दिगवार गादर में वहां बैंकर दिए, उस कोई फायरिंग नहीं होता, उस कोई गोला नहीं आता। ये तमाम जो गोला आता है दुश्मन का वो यहाँ दलान में आकर पड़ता है। तो हमारे पहले भी हमने मीडिया से बात की, हमको हमारे ज़िला इंतजामिया से गुजारिश की आप मौका देखें और हमारा नुकसान देखें। तो कुछ कोई भी नहीं आया, कुछ ने हमारी तवज्जो नहीं ली। आज कितने मकान नुकसान हो रहे हैं, कितना माल मशीन नुकसान हो चुका है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नर साहब मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़िला इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, वो कुछ तवज्जो नहीं हमारे गाँव के सभी लोगों को कर रही है। ये हमारी गुजारिश है कि आप हमारा कोई हौसला डीसी साहब आएँ, आप मौका देखें, देखकर हमारे हालात देखें, हमारा नुकसान का जायज़ा लाएँ कि कितना नुकसान है। हमारे बच्चे पहले कोरोना बीमारी से परेशान थे, बेरोज़गार हुए, अब ये गोला बीमारी जो गोलाबारी है ये चल रही है लगातार, इससे हम बहुत हमारे बच्चे और बच्चियाँ परेशान हैं पढ़ाई से। तो हमारा दिल में खौफ पड़ा है, हम नकल मुकामी करने पर तैयार है अभी, क्योंकि हमारा कुछ चारा नहीं। या हमारे अगर गवर्नमेंट हमारा हौसला अफजाई करे तो अच्छा है, हम उसका शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया मनीर सेन। फायरिंग तो रात को रुक रुक कर हो रही थी, बीच बीच में गोले काफ़ी ज़ोर से लग रहे थे कस्बा साइड के बीच में, और यहाँ पर सरल गांव के जो निचले वाला हिस्सा है रोड के ऊपर ही ये अभी 5-6 गोले जो हैं अभी तकरीबन 11:30 बजे
आकर अचानक लगे हैं। लोग अपने अपने बाहर माल मवेशी के साथ में थे, लोग घबराए हुए हैं, काफ़ी परेशानी के बीच में अभी अपने अपने घरों में चले गए हैं। तो हमारे पास बैंकर नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है लोगों को, इससे बहुत परेशानी है कि किसी वक्त किसी का नुकसान हो सकता है। तो इन गोलों से अभी मरने की या किसी का कोई कैजुअल्टी की कोई खबर नहीं हुई है। हमारे पास ही घरों के आसपास में गोले लगे हैं, तो हमारे पास गोले ये बैंकरों की ज़रूरत है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बैंकर चाहिए। तो लोगों के बचाव के लिए बैंकरों की बहुत ज़रूरत है। ये ऐसे बोल देते हैं भाई इतने बैंकर बन गए हैं, ये हो गया है, इतने दे दिए, उतने दे दिए, तो हमारे गाँव के बीच में अभी तक एक भी ये नहीं दिया बैंकर। तो हमारी सेफ्टी के लिए बैंकर होने चाहिए, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं।